पीना हो बच्चा खा लो पी लो, मगर शराब नहीं आपको क्या खाना क्या पीना। सही बात। मित्रों एक बार पुनः आपका स्वागत अभिनंदन है। जहाँ भी जाते हैं कहीं न कहीं समाज की ऐसी विभूतियों के दर्शन करने को मिलते हैं जिससे हमारा भाग्य सवर जाता है। हर व्यक्ति के अंदर एक प्रतिभाएं छुपी होती है और वो प्रतिभाएं जब निकल के आती है, जब कोई अच्छा व्यक्ति उनको दिखाई देता है, वो अपने भावों की प्रस्तुति करते हैं, अपने भावों को व्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं कि अंधों के सामने रोए और आँखों का कोच खोए। अंधों के सामने रोना और आँखों को बर्बाद करने बराबर होता है। ऐसे ही हमारे समाज के रत्न आज हमें भेंट हुई है। नाम बताएंगे अपना? रामेश्वर लाल। रामेश्वर लाल जी कहाँ से हैं? पाली से। रामेश्वर लाल जी पाली में निवास करते हैं और सिलाई का काम करते हैं। देखिए समाज के अगर योद्धा करना चाहे तो क्या नहीं कर सकते। हम उस समाज से हैं जिस समाज में हमारे पुरखे श्रम से जुड़ी हुई थी, मेहनत कर समाज थी, कुएं खोदना बावड़े खोदना ये हमारा प्राचीन काम था। लेकिन हम अब धीरे धीरे अलग प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। काम चेंज हुए हैं, कार्य चेंज हुए हैं, व्यवहारिता चेंज हुई है, मतलब जीवन में कई तरह के अनेकों परिवर्तन हो रहे हैं। और आज के आधुनिक युग में हम देखें तो आधुनिक युग में कई प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं जिनका हमें सामना भी करना है। इसके सकारात्मक परिणाम हैं और नकारात्मक परिणाम भी हैं। रामेश्वर लाल जी थोड़ा सा ये समझना चाहते हैं कि हम इतना बड़ा समाज है, इतनी बड़ी संख्या में हम रहते हैं, कौन हमारा शत्रु है, कौन हमें मार रहा है अंदर ही अंदर, कौन है ये? कौन है? शराबी है मारने वाला। हम पैसा देके मौत खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं मौत ही खरीद रहे हैं। हम पैसा देके मौत खरीद रहे हैं, अपने घर की खुशियों को बर्बाद कर रहे हैं, हंसते खेलते घर को उजाड़ देते हैं। क्या बीतता होगा उन परिवारों पे जिनके छोटी और अल्प आयु में ही छोटे छोटे बच्चे और जवान पत्नी को छोड़ के पति स्वर्ग सिधार जाता है। क्या गुजरती है उन बच्चों पे, उनकी पीड़ाओं पे क्या गुजरती है? हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे समाज में ये चरमराई व्यवस्था ही ऐसी है कि हम चाहते हुए भी मदद नहीं करते। कहीं ना कहीं उनके बच्चों को, इस विधवा के बच्चे को मजदूर और मजबूर बनना ही पड़ता है, या वो चोर बन जाते हैं या किसी अपराध में हो जाते हैं। हम अपने समाज को मरता हुआ देख रहे हैं, सिसक सिसक के दम तोड़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ हमारी समझ नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारा समाज कैसा है। अरे समाज का भविष्य तो ऐसा होना चाहिए कि समाज के खातिर समाज के लोग प्राण दे देते हैं। याद कीजिए उन भागीरथ जी को जिन्होंने मानव जाति की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, अपने प्राण समर्पित किए, 24 साल के कठिन परिश्रम के बाद गंगा माता को धरती पर लेके आए। थोड़ा इधर आओ ना। 28 साल के परिश्रम के बाद वो गंगा माता धरती पर लेकर आए और आज उनके पुण्य प्रताप से ज्ञान सुना आपने, थोड़ा सुना बटू अडिया उनके पुण्य प्रताप से आज हमें बटू अडिया छाया दी धरती लाइट की रोशनी अंदर का यो अटना बात सुने ज्ञान की बात बता रही है। सभी लाभान्वित हुए हैं, उनको जीवन मिला है। क्या हम उस समाज से, ऐसे महापुरुषों के समाज से है ये पूछता है आज का हर युवा, आज का भविष्य पूछ रहा है कि क्या हम वो धर्म पुण्य के लोग हैं? क्या हम वो लोग हैं, वो बलिदानी हैं? क्या हम वो पराक्रमी हैं? क्या हम ऋषि की संतान हैं? जब भी शर्म आती है सही बात है, जहाँ भी जाता हूँ मुझे कहीं ना कहीं ऐसी कुरीतियाँ दिखती है कि ये असत्य है। अपने आप को क्षत्रिय कहना असत्य है, अपने आप को ऋषि की संतान कहना असत्य है। सत्य तो ये है कि हो सकता है कि हम अपने भाव को भूल चुके हैं, हम अपनी पहचान को ही भूल चुके हैं। हम कब क्षत्रिय वंशी से शत्रुवंशी बन गए सही है पता ही नहीं चला। हम अपने आप को क्षत्रियवंशी कहते हैं। अरे क्षत्रिय बनने के लिए भाव होने चाहिए, वो त्याग और वो बलिदान, वो जोश होना चाहिए, लेकिन नहीं है। लेकिन आज हम एक भाई दूसरे भाई पे जलता है। सही बात। पिता पुत्र को मार रहा है, माता कितनी छोटी माता के ऊपर हाथ उठा रहा है,
इसको सत्री कहते हैं क्या? ये सत्री की पहचान भाई, हमारे बीच में वरिष्ठ साथी रामेश्वर लाल जी के हम थोड़ा सा भाव जानते हैं। रामेश्वर जी बताइए थोड़ा सा कि आखिर ये हमारा समाज का मुखड़ा कैसा है, क्या देखते हैं? और नहीं दिखा तो वो निकाल जिला मत देखे। ये हमारे बच्चे और ये देखो युवा साथी देखो स्वयं हमारी जो है रिकॉर्डिंग ले रहा है और ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर गोविंद जी क्या कह रहे हैं। सही बात है भैया, ये किस प्रकार के भाव व्यक्त कर रहे हैं। वो वीडियो जो हीरो हीरे जो होते हैं समाज के रत्न होते हैं, उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो सागर के मोती के समान मिल जाते हैं, चमकते रहते हैं अंदर। ठीक भैया, चम 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 चमकते रहते हैं, हीरे की तरह चमकते रहते हैं। और ये चमकने वाले देखिए हीरे, ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा समाज कैसा है। ये ऐसा बोतल के साथ झूमने वाला है, तंबाकू खाने वाला, बीड़ी पीने वाला, माँ बाप को मारने वाला, जहाँ भी देखो कहीं न कहीं हमें ऐसी कृत सुनने को मिलता है जिससे मानवता शर्मसार हो जाती है। आज छोटे छोटे ये भविष्य हमारी ओर देख रहे हैं कि ये हमारा भला करेंगे, ये गोविंद जी आए हैं, ये हमारी बात को आगे पहुँचाएंगे, समाज के लिए कोई योजना बनाएंगे, हमारे लिए कुछ अच्छे प्रबंध करेंगे। नहीं इधर का मैं भी ज्यादा हूँ, मतलब मैं सब जानता हूँ, इधर अजमेर में पूरा सब जब देखो सब वोटों को जानते हो लेकिन उनके भाव को तो नहीं जानते। नहीं, 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 नहीं। वो वो शाम शाम वाली डाबर जन्म गुट्टी को जानते हो पीते? नहीं कभी वो पेंसिल और रबड़ ला के देखे देते क्या आपको? नहीं कभी नहीं लाते, पता नहीं है। कभी वो प्रोत्साहन करते हैं कभी ये बच्चा अच्छा नंबर लेके आए इनाम दो? नहीं नहीं क्यों नहीं करते? क्या हम उनके संतान नहीं है? है क्या हम तो उनका फर्ज नहीं है? हर समाज अपने बच्चों को प्रोत्साहित करता है, हर समाज अपने बच्चों को सम्मानित करता है, लेकिन हम क्यों भूल गए? आखिर हम अपने परिवार को क्यों भूल जाते हैं? अच्छा बच्चे के नंबर लेके आते हैं तो उनको सम्मान करना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए। मेरे 10वीं में आए 78। अरे वाह बहुत बहुत बधाई। राज समझ आना, मैं तुमको इनाम दूंगा। मैं नहीं दूंगा, पूरा समाज तुमको इनाम देगा, वहाँ तुम्हारे लिए प्रबंध कर लूंगा, है ना। अब एक, एक बच्चे आओ भले 100 बच्चे आओ 1000 आओ, इनाम की व्यवस्था बता देना, इतने आ रहे हैं मैं कर दूंगा सारी। मेरे 10वीं में बनी 70। बहुत बहुत बधाई, अच्छे पढ़ाई करना, बहुत जम के पढ़ाई करना, समाज का नाम, समाज का नाम रोशन करना, नहीं तो वहाँ भी मुलाकात अपन की अपनी होगी, ध्यान रखना। किस जगह? सेंट्रल जेल का प्रभारी हूँ मैं। कौन सा नाम? सेंट्रल जेल का प्रभारी हूँ मैं, क्या हूँ? जहाँ पर कैदी जाते ना अपराध करके, वहाँ पे भी मैं ही जाता हूँ। ऐसे अपराध हम नहीं करते। खेलने कूदने की इच्छा है, पढ़ाई करना, नशा मत करना, बीड़ी मत पीना, सिगरेट मत पीना, गांजा मत पीना। मेरे को बनना है क्रिकेटर। क्रिकेट बनना? अगर ABCD नहीं क्रिकेट की, बस ये बनाएंगे तो मैं अभी। और हमारे मैं टी शर्ट पहन के नहीं आया, मैं देखो प्रशांत की टी शर्ट पहन के आता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना प्रचार में, प्रशांत है ना अपना क्रिकेटर है वहाँ राजकोट में, उसके जैसा क्रिकेटर बनना था। मैं 700 रुपये देता हूँ महीने की फीस। अरे वाह, वो सीखने आता हूँ राजेंद्र स्कूल में। इधर भी आए थे ना, इधर भी आए थे ना, आया था ना, और वहाँ से मैं एक ट्रॉफी जीत के आया था। बिलोड़ा भी गए थे? बिलोड़ा भी गया था, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मामा घर पे गए थे, मेरे मामा घर पे कुदावला। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।